हमारे शास्त्रों में काल गणना के अलग अलग भेद बताए गए हैं। कुछ गणनाएं सूर्य की गति से होती हैं, तो कुछ गणनाएं चंद्र की गति से देखी जाती हैं। जब हम सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश देखते हैं, उसे हम एक सौर मास कहते हैं, अर्थात सोलर मंथ कहते हैं। उसी तरह से पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या और फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो काल होता है, उसे हम एक मास कहते हैं, जिसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कुछ प्रदेशों में ये गणना अमावस्या से पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक की भी की जाती है। तो जब सौर मास की हम बात करते हैं, तो ये एक माह लगभग 30 दिन और 11 घंटे का होता है, और जो चंद्र मास होता है वो लगभग 29 दिन और कुछ 4 घंटे के आसपास कहा जाता है। तो ये जो भेद आ जाता है चंद्र और सूर्य की गणनाओं में, उसे हम लगभग 32 महीने और 16 दिन बाद उसका समायोजन करते हैं, उसे एडजस्ट करते हैं। और जब जिस तरह से हम लीप ईयर हर 4 साल में एडजस्ट करते हैं, जो लीप ईयर का एडजस्टमेंट होता है वो हर साल 6 घंटे का एडजस्टमेंट होता है, जिसे 4 साल में एक दिन जोड़ करके किया जाता है। उसी तरह से जो सौर गणनाएं और चंद्र गणनाओं के बीच का जो भेद है, उसका समायोजन करने के लिए हर 3 साल में, यानी कि लगभग 32 महीने और 16 दिन में एक नया महीना जोड़ा जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं।